दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरा नाम कपिल परमार है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है। डॉक्टरी का काम अच्छा खासा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर मैं शांत जगह पर रहना पसंद करता था, इसलिए शहर से थोड़ी दूर मैंने एक घर खरीद लिया। रोज सुबह शाम आधे घंटे ड्राइव करके घर आना जाना होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उस भयानक चुड़ैल से मेरा सामना नहीं हुआ, और उस हादसे के बाद मैंने अपना वो घर बेच डाला और शहर के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया। ये घटना आज से एक साल पहले मेरे साथ घटी थी। रात का समय था, मैं थककर क्लिनिक से 11 बजे के करीब घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई और मैंने जोर से ब्रेक लगाई। बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस बकरी ने अपने मुंह में एक छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी थी। ये देखकर मैं दंग रह गया कि आखिर एक बकरी तो कभी ऐसी चीजें छूती नहीं है। खैर, मैंने तुरंत रिवर्स गियर लगाया और पीछे की तरफ गाड़ी भगाई। वह बकरी धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगी और मेरी तरफ भागने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर तक मेरे पीछे भागने के बाद वह और बड़ी हुई और उसने चुड़ैल का रूप ले लिया और फिर से मेरी तरफ दौड़ने लगी। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी भगाने लगा। मैंने सोचा कि उसे कुचलते हुए आगे निकल जाऊंगा। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई, वह धड़ाम से हवा में उछली और पीछे की ओर जा गिरी। मैं पागलों की तरह चिल्लाता हुआ गाड़ी भगाने लगा। तभी मेरे होश उड़ गए जब मैंने कार के आईने में देखा कि वह चुड़ैल मेरी कार की बैक सीट पर बैठी हुई है। अब मेरी आवाज निकलनी ही बंद हो चुकी थी और बस मैं कांपता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वह चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। मैं पूरी तरह सदमे में था, सीधा सामने की ओर गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया जब वह डरावनी चुड़ैल अपने हाथों से गाड़ी में बैठे बैठे अपना सिर शरीर से अलग करके मुझे देने लगी और एक डरावनी सी आवाज में बोली, ये ले, इसे संभाल कर रख, मैं इसे लेने वापस आऊंगी। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था। डर के मारे मैंने जोर से गाड़ी की ब्रेक लगा दी। गाड़ी रुकने के बाद मैं बाहर निकलकर पागल जानवरों की तरह भागने लगा। वो चुड़ैल मेरे पीछे भाग रही है या नहीं, ये देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। मैं भाग ही रहा था कि अचानक एक पत्थर से टकराकर जोर से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर पड़ा हूँ और उस सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। मुझे बाद में पता चला कि उस सड़क के पास एक झोपड़ी में तांत्रिक औरत रहती थी जो बकरियों की बलि देती रहती थी और जादू टोने किया करती थी। लोगों को जब उसके बारे में पता चला तो सब ने मिलकर उसे खूब पीटा और उसका सिर काटकर हत्या कर दी। तब से वह औरत चुड़ैल बनकर उस हाईवे पर भटकती रहती है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अब मेरा सामना उस चुड़ैल से कभी ना हो। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए
इजाज़त दीजिए।